नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, व्लॉग शुरू करने से पहले टॉप कमेंट, और टॉप कमेंट है ये। आपके इस टॉप कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज व्लॉग शुरू करते हैं और मैं हूँ इस वक्त रिकांगपियो। मैं बहुत ही ज़रूरी काम से आई हूँ। मैंने एक दो हफ्ते पहले एक छोटा सा प्रमोशन वीडियो बनाया था WFF किन्नौर के द्वारा, जो 16 जून को फंक्शन होना है उसके बारे में। तो उसी के सिलसिले में मैं रिकांगपियो आई हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि ये फंक्शन कहाँ होना है, क्यों होना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर आई हूँ चिनपा फिटनेस जिम में। ये हमारे रिकांगपियो किन्नौर का सबसे बड़ा जिम है और जो WFF किन्नौर का फंक्शन होना है 16 जून को, तो उस इवेंट के जो कर्ता धरता है वो इसी जिम के ओनर मिस्टर लोकेश नेगी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ देखिए इक्विपमेंट्स। तो एक और सेक्शन है अंदर, ये देखिए, ये बहुत ही किन्नौर में हाई लेवल के जिम है।
मैं आई हूँ चिंपा फिटनेस जिम में और ये हमारे किन्नौर का जो है बहुत ही बड़ा और पॉपुलर जिम है। यहाँ मेरा आने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको 16 जून को रिकॉन्क्यू में जो इवेंट होना है, बहुत बड़ा इवेंट होना है, उसके बारे में अच्छे से बता सकूँ। तो सबसे पहला उद्देश्य तो हमारे WFF किन्नौर के प्रेसिडेंट इस जिम के ओनर का ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी यूथ है, वो हर तरह की नशा से दूर रहे, नशा मुक्त रहे, वो अपनी फिटनेस पर, अपनी बॉडी पर ध्यान दे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे और हर तरह से नशा मुक्त रहे और मेंटली फिजिकली फिट रहे। तो अभी चलिए जानते हैं और इस इवेंट के बारे में कि उस दिन क्या क्या होगा और सोच क्या है उनकी इस इवेंट के बारे में। पूरी जानकारी लेते हैं हमारे WFF किन्नौर के प्रेसिडेंट और इस जिम के ओनर मिस्टर लोकेश नेगी से। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये है हमारे चिंपा फिटनेस के ओनर और WFF किन्नौर के प्रेसिडेंट मिस्टर लोकेश नेगी। तो लोकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो इवेंट होना है 16 जून को हमारे किन्नौर महा इवेंट होना है, उसकी थोड़ी सी जानकारी मेरे फ्रेंड्स की दे दीजिए। हेलो गाइस, माय नेम इज लोकेश नेगी। जैसा कि जी ने बता दिया है कि हमारे किन्नौर के अंदर 16 जून को WFF किन्नौर द्वारा मिस एंड मिस्टर किन्नौर करवाया जा रहा है। इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें हमारी बॉडी बिल्डिंग, फैशन मॉडलिंग और अपना फिटनेस मॉडलिंग से रिलेटेड सारे इवेंट्स रहेंगे, जिसमें कि आपके डिफरेंट कैटेगरीज रहेगी। बॉडी बिल्डिंग रहेगा और अपना फिटनेस मॉडलिंग रहेगा और फैशन मॉडलिंग रहेगा। फैशन को भी आपने ध्यान में रखा हुआ है, फिटनेस के साथ फैशन जरूरी है। तो लोकेश, ये तो हो गया इस जानकारी के बारे में कि 16 जून को क्या क्या होना है। अब आप ये बताओ कि आप ये फिटनेस की दुनिया में आए कैसे? इतनी कम उम्र में आप इतनी सफलता भी पा गए, हमारे किन्नौर में नाम भी हो गया आपका, तो ये आपको आइडिया कैसे आया या फिर आप आए कैसे इस लाइन में? देखिए, फिटनेस का शौक तो मुझे एक्चुअली बचपन से रहा है, क्योंकि मेरे फादर से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। हम बचपन से ही उन्हें देखते आते थे कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हम मेरे घर में जब बचपन से मैंने डंबल्स देखे तो मुझे भी था, और मैं बहुत पतला हुआ करता था। हाँ, मुझे पता है। और इसी के साथ मैंने अपने ऊपर वर्क किया, धीरे धीरे अपने शौक को प्रोफेशन में बदला और धीरे धीरे आज भी सीख ही रहे हैं। तो आपकी शुरुआत हुई रामपुर से? हाँ जी, तो रामपुर से आप यहाँ आए, यहाँ पर आपने अपना ये बिजनेस भी है और आपकी सोच भी अच्छी है। सबसे बड़ी सोच ये है इनकी, आप ये खुद बता दो कि यूथ जो है नशे से मुक्त रहना। मेरा मेन मोटिव यही है कि जैसे हम 2022 में हमने फर्स्ट टाइम किन्नौर में मिस्टर एंड मिस किन्नौर इवेंट करवाया था, तो इससे पहले कभी ना ऐसा इवेंट कभी यहाँ हुआ। इवन हमारे हिमाचल में भी ऐसे कभी इवेंट्स बहुत कम होते थे। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन जो है 2016 से हिमाचल के अंदर एक्टिव है, और हर साल हमारे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स होते हैं, देन हमारे स्टेट चैम्पियनशिप होते हैं, और जो उससे क्वालिफाई करते आगे वो नेशनल्स के लिए भी सिलेक्शन। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि हमारे किन्नौर के युवा भी नशे को छोड़कर आगे बढ़े और फिटनेस की ओर अपना ध्यान रखे, अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग करे, स्वस्थ। जैसे कि आजकल दी आप देख ही रहे हैं कि पूरी हिमाचल में हमारे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे, छोटे उम्र में आपको ओबेसिटी हो रही है, और बीपी, शुगर, ये चीजें जो इंसान को आफ्टर 45 में होता है, वो आज के डेट में 17 में हो रहा है। हाँ जी, तो मेरा मेन मोटिव ये कि हमारे किन्नौर का युवा स्वस्थ रहे और अपने फिजिकली फिट रहे और अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करे। सही में ये मिस्टर लोकेश नेगी जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे किन्नौर में। हमारे जो किन्नौर के युवा है, बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो हर तरह के नशे कर रहे हैं आजकल, कहीं भी गलियों में पड़े हैं। तो ये इवेंट करा के कि उनको अट्रैक्ट करा के अपने स्वास्थ्य और अपनी मेंटलिटी फिजिकली फिट रहने का जो है मैसेज दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी अपील करना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे हैं, बड़े आप देख रहे हैं ब्लॉग को, आपके बच्चे हैं, उनको आप मोटिवेट कीजिए इस इवेंट में भाग लेने के लिए, कहिए। अगर हार भी जाए तो कोई बात नहीं, उनका रुझान इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, वो अपने आप को फिट रखेंगे, फाइन रखेंगे, और अगर फिट फाइन रहेंगे आपके बच्चे तो आपका घर खुशहाल रहेगा। तो मैं भी थोड़ा सा कर लेती हूँ एक्सरसाइज। तो मेरे लिए बताओ मैं क्या करूँ?
जैसे ऊपर लाओगे यहाँ पे पॉज लेना 3 सेकंड फिर आराम से इसको स्लोली फिर नीचे ऐसे फील करके वहाँ से फील करके नीचे भी आ रहे कोशिश करना है कि आराम से स्लोली आ जाए दो में भी यही हाँ दो में भी सेम सेम तो दोस्तों लेडीजें भी जिम करें तो अच्छा है ना, फिट रहेंगी, फाइन रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो लेडीजों को भी करना चाहिए। चलो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपके बच्चों को बोलिए कि जल्दी से इसमें भाग लीजिए, और मैंने फ़ोन नंबर भी दे रखा है, तो जल्दी जल्दी कीजिए, कहीं आपको देर ना हो जाए। आप जितनी जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसी इस इवेंट को अच्छे से जान पाएंगे और इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, तो जल्दी कीजिए। दोस्तों मैं आपको इस इवेंट का वेन्यू बता दूँ, क्लब सिल्क रूट अबव गोयल मोटर्स रिकांगपियो। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जल्दी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, इस इवेंट में भाग लीजिए, अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को मोटिवेट कीजिए कि स्वास्थ्य पर ध्यान दें और फिटनेस फैशन के ऊपर खासी ध्यान दें और इस इवेंट में भाग लें। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखते हैं, बाय।